सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें, जिससे लेटेस्ट एजुकेशनल वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में मैं आपको एटीएम का बेसिक कॉन्सेप्ट एग्जांपल के साथ समझाऊंगा और साथ में बताऊंगा कि एटीएम कार्ड क्या होता है। देखें, सबसे पहले समझते हैं कि एटीएम का मतलब क्या है। एटीएम का मतलब होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। देखें, अभी 24 आवर बैंक जो है उसको चलाना रन करना मुश्किल है, खर्चा है, डिफिकल्ट है और एक्सपेंस भी है। कॉमन सी बात है, एम्प्लॉयज को 24 आवर की सैलरी ज्यादा देनी पड़ेगी और शिफ्टें चेंज करनी पड़ेंगी, खर्चा है। तो इसलिए बैंक ने इस खर्चे से बचने के लिए और अपने कस्टमर को अच्छी फैसिलिटी और अच्छी सर्विसेज बैंकिंग की प्रोवाइड करने के लिए एक एटीएम मशीन जो है वो डेवलप की है। एटीएम मशीन में क्या होता है कि देखें, इसके अंदर क्या है, बैंक ने ये मशीन लगा दी है, ये डिफरेंट सर्विसेज लाइक डिपॉजिट, विदड्रॉल और ट्रांसफर वगैरह, अपने अकाउंट से आपने किसी दूसरे के अकाउंट में पैसे भेजने हैं, इस मशीन के जरिए से आप भेज सकते हैं। और एटीएम ने अपने आप को सिक्योर करने के लिए थंब का भी सिस्टम शुरू कर लिया हुआ है। थंब मतलब कि अगर आपके पास कार्ड वगैरह नहीं है एटीएम का, तो आप थंब लगाएं, एटीएम के नीचे छोटी सी एक जगह होती है, वो स्कैन करती है आपके थंब को और फौरी आपका जो है ना वो ऊपर डिस्प्ले पे अकाउंट ओपन हो जाता है। आपने पिन कोड लगाना है सिक्योर के लिए, थंब भी है, फिर पिन कोड लगाना है, फिर आपने जो भी ट्रांजैक्शन करनी है वो कर सकते हैं। और जो पाकिस्तान इंडिया में कुछ ऐसे बैंक भी हैं जो एटीएम की ना एटीएम के अंदर डिपॉजिट, लाइक आपने अगर पैसे जमा करवाने एटीएम के अंदर, वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करते। मोस्टली यूएसए, कनाडा वगैरह में जो एटीएम है उधर ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। और पाकिस्तान इंडिया में जो है ना काफ़ी कुछ बैंक हैं जिसमें ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। आने वाले वक्त में ये फैसिलिटी प्रोवाइड की जाएगी आई थिंक हर बैंक में। अगर आपको अचानक से रात को कभी रात के 12 बजे पैसों की जरूरत पड़ जाती है, तो ये मशीन क्या होती है, ओपन होती है, आप जाएं इसके अंदर अपना कार्ड डालें एटीएम का और पैसे विदड्रॉ करवा सकते हैं। अगर आपने रात को पैसे जमा करवाने हैं तो आप इस मशीन के अंदर पैसे भी डिपॉजिट करवा सकते हैं। और अगर आपने बिल वगैरह, आपने किसी भी यूटिलिटीज बिल वगैरह अदा करने हैं, तो वो भी इस मशीन के जरिए से अदा कर सकते हैं। तो अभी ये देखें, अगर बैंक रात को 12 बजे इसको ओपन करना मुश्किल है, इसको चलाना मुश्किल है, क्योंकि लोगों ने रेस्ट भी तो करना होता है, तो ये काम थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है और अनसिक्योर हो जाता है। रात को चोरी वगैरह, फ्रॉड के चांसेस भी होते हैं, बैंक में चोरी हो जाए। तो इसलिए इन सारे चक्रों से बचने के लिए बैंक ने एटीएम को, एटीएम की एक मशीन बनाई है जिस जो हमें ये सारी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और ये सिक्योर है। इसको चोरी करना, इसके अंदर कैमरा लगा होता है, एटीएम एक छोटा सा कमरा होता है जिसमें एटीएम मशीन होती है और वो डायरेक्ट लिंक होती है बाहर की रोड के साथ, कोई भी आके यूज कर सकता है उस मशीन को। तो उसको अगर चोरी करने की कोई सोचेगा तो कैमरे से फौरी पता चल जाएगा और उधर पुलिस वगैरह पहुंच जाएगी 2 मिनट में, कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था एटीएम का। अभी देखें एटीएम कार्ड क्या होता है। एटीएम कार्ड वो कार्ड होता है जो सिंपल सा हम एटीएम के अंदर इस्तेमाल करते हैं। जो डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है, इसको भी हम एटीएम कार्ड बोल सकते हैं। वो कार्ड जो एटीएम के अंदर, मतलब एटीएम मशीन के अंदर इस्तेमाल हो जाता है, उसको हम एटीएम कार्ड बोलते हैं। वो डेबिट भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, वो डिफरेंट कंपनीज का, मास्टर कार्ड, वीजा कार्ड, यूनियन कार्ड, डिफरेंट कंपनीज का हो सकता है जो एटीएम मशीन के अंदर इस्तेमाल हो सकता है, जिससे हम डाल के डिफरेंट सर्विसेज जो है एटीएम मशीन से ले सकते हैं, उसको हम एटीएम कार्ड बोलते हैं। तो यह छोटा सा इसका कॉन्सेप्ट था, आई होप आपको समझ आ गया होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। गुड बाय।